नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में आज दरभंगा के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री दरभंगा जिला जितेंद्र कुमार राय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी राजीव रोशन द्वारा मंत्री को पाक चादर एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार ललित कुमार यादव, वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह द्वारा माननीय मंत्री समाज कल्याण को पाक चादर और पौधा देकर सम्मानित किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह द्वारा मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार मदन सहनी अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश राजा द्वारा हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद शाह का स्वागत सम्मान किया गया। कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन भूषण हजारी एवं बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी का अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा द्वारा, केवटी के विधायक मुरारी डॉक्टर मुरारी मोहन झा को नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा द्वारा, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव को वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष को पाक चादर एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा संभावित सुखार के लिए जिला स्तर पर की गई तैयारी से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उसके लिए चौक चौराहों पर प्याव चापाकल की व्यवस्था की गई है। अभी तक पीएचडी द्वारा 943 चापाकलों की मरम्मती कराई गई है। जिले में 30,000 से अधिक सरकारी चापाकल कार्यरत है, जो कि ये काफी शोचनीय वाली बात है। अगर ये दिखता है कहीं पर तो समझ में आएगा, अगर नहीं दिखता है तो कहीं कहीं ये प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। चापाकल मरम्मती दल क्षेत्र में भ्रमणशील है। जिले में 19 अग्निशमन वाहन कार्यरत है, जिन्होंने कहा कि दरभंगा में जिला में कुल 180 आगजनी की घटना घटी है, जिसमें 12 कच्चा पूर्ण, 11 कच्चा आंशिक, 615 झोपड़ी, कुल 638 गृह क्षतिग्रस्त हुए हैं। अग्निकांड की घटना में एक मनुष्य एवं 13 पशु मृत हुए हैं। नगद क्षति बता दें कि यही नगद एवं खादान राशि के रूप में 37.32 लाख रुपए, वस्त्र बर्तन क्रय हेतु 27.93 लाख रुपए एवं गृह क्षति के लिए 2,47,000 रुपए जो 700 रुपए वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही 814 पॉलिथीन सीट्स उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्री महोदय ने जल नल योजना में अग्निशमन वाहन के लिए पानी प्राप्त कराने पॉइंट बनाने का निर्देश दिया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अग्निशमन पदाधिकारी से समन्वय का शीघ्र अजलापूर्ति पॉइंट बनाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा दिया गया बताया गया कि जिले में 29 जलापूर्ति पॉइंट कार्यरत है। बाढ़ पूर्व तैयारी से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 14 प्रखंडों में वर्षा व मापक यंत्र कार्यरत है। 13 बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें से 4 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 397 बाढ़ ऊंचा शरण स्थल चिन्हित किया गया है। संपूर्ति पोर्टल को अधत किया जा चुका है। बाढ़ आने की स्थिति में संबंधित स्थल के लाभुकों को तुरंत मुआवजा राशि उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिले में 172 सरकारी नाव है, 593 निजी नाव के मालिकों से इकरार किया जा चुका है। अंचलों में लाइफ जैकेट उपलब्ध है। जिला गोदाम में 90 लाइफ जैकेट उपलब्ध है, जिनकी जाँच NDRF द्वारा की जा चुकी है। निजी नाव का पुनः निबंधन जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। गोताखोरों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। पशु चारा एवं पशु दवा के साथ साथ सभी PHC में आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की गई है। बैठक में बताया गया है कि बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा द्वारा 17 स्थलों पर, ड्रेनेज द्वारा 11 स्थलों पर, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर द्वारा 2 स्थलों पर एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल निर्मली द्वारा 2 स्थलों पर कुल 32 स्थलों पर कटाव निरोधक तटबंध सुरक्षा का कार्य कराया जा रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के चारों डिवीजन द्वारा यातायात सुविधा बहाल रखने हेतु 33 क्षतिग्रस्त सड़कों में मरम्मती का कार्य कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जिले में 1,95,015 आवास का निर्माण करवाया गया है, जो लक्ष्य का 97.94% है। इसी प्रकार आवास प्लस योजना के अंतर्गत 15,043 आवास को पूर्ण कराया गया है, जो लक्ष्य के 94.6% है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 157 लाभकों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 67 आवास पूर्ण कराए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत 104 गांव पंचायतों में तरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया गया है, जहां ठोस एवं तरल कचरा के लिए अलग अलग कूड़ादान की व्यवस्था की गई है तथा जिन्हें ई रिक्शा एवं पी रिक्शा के माध्यम से संग्रहित करवाया जा रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के दौरान मंत्री समाज कल्याण मदन सहनी ने कहा कि हाट बाजार के समीप एवं हायाघाट के विधायक विनय
हयाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि बहेरी बाजार एवं हयाघाट में तथा केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने कहा कि रैयाम में भी शौचालय की व्यवस्था की मांग की है। जिलाधिकारी ने आंतरिक संसाधन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए राजस्व वसूली से अवगत कराते हुए बताया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध 72.76%, निबंधन विभाग द्वारा 109.13%, परिवहन विभाग द्वारा 90.52%, खनन विभाग द्वारा 94.23%, सहकारिता विभाग द्वारा 75.48%, नगर निगम द्वारा 115.40%, नगर परिषद बेनीपुर द्वारा 68.41%, राजस्व विभाग द्वारा 63.23%, बिजली विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में 91.66% एवं ग्रामीण क्षेत्र में 81.30%, जिला परिषद द्वारा 106.95%, वन विभाग द्वारा 48.46% की राजस्व वसूली की गई है। इसके उपरांत 19 मई 2022 को तत्कालीन प्रभारी मंत्री दरभंगा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। बैठक में कई अनुपालन पर विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा असंतुष्टि जाहिर की गई है। बताया गया है कि अनुपालन विलंब से किया गया है। बैठक में मंत्री समाज कल्याण बहादुरपुर के अंचल कार्यालय के क्रियाकलापों की जांच कराने की मांग की है। मंत्री महोदय द्वारा कमेटी बनाकर जांच कराने का निर्देश अपर समाहर्ता राजस्व को दिया गया। इस तरह से विधायक अलीनगर के मिश्रीलाल यादव द्वारा अपने क्षेत्र के पानी में डूबकर मरने वाले मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलने की जानकारी पर जांच कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश मंत्री द्वारा दिया गया है। विधायक कुशेश्वर स्थान अमन भूषण हजारी द्वारा कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सा की प्रतिनियुक्ति करवाने की मांग की है। बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी ने मातृत्व अवकाश के उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा वेतन भुगतान में आनाकानी करने का मामला उठाया गया है। मंत्री डीपीओ साक्षरता को ऐसे मामलों में तुरंत वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। बेनीपुर के डखराम पंचायत में नल जल योजना ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। बताया गया है कि सज्जनपुरा पंचायत की सड़क के अंदर मिट्टी का कटाव कर लिया गया है, इससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गया है। मंत्री महोदय ने तुरंत इसे दिखवाने का निर्देश संबंधित अभियंता को दिया गया है। अलीनगर के विधायक मिश्रीलाल द्वारा कहा गया कि केवटी से बाढ़ समेला होते हुए गोसाईपुर तक रास्ता निर्माण में 750 मीटर छोड़ दिया गया है। उन्होंने घनश्यामपुर के कनकी मुसारी एवं बावर गांव में पुनर्वास योजना के रुके रहने की जानकारी दी है। उन्होंने नरमा उच्च विद्यालय के भवन एवं मिल्की पकड़ी सड़क निर्माण की आवश्यकता बताई है। वहीं हयाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद ने 24/07 अस्पताल फर्जी रूप से चला जा रहा है, इस अस्पताल का नाम बताया है। इस संबंध में मंत्री ने सिविल सर्जन को 1 सप्ताह के अंदर जांच करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही विधायक द्वारा बिजली के करंट से मृतक को मुआवजा दिलवाने की मांग की है। मंत्री समाज कल्याण द्वारा बताया गया कि सुपौल बाजार की सड़क पर नाला निर्माण कराया जाना आवश्यक है। बैठक के अंत में मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने संबोधित करते हुए कहा है कि समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई विभागों के अनुपालन प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं है, अतः अनुपालन प्रतिवेदन संतोषप्रद हो एवं समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, अनुपालन प्रतिवेदन पूरी निष्ठा से की जाए, इसे गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं जब समय क्रियान्वित होती है तो जनता में सरकार की छवि बनती है, इसका ख्याल रखते हुए काम किया जाए। बैठक की समाप्ति के पूर्व धन्यवाद ज्ञापन उप अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा किया गया। बैठक में जिला स्तरीय सभी संबंधित पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। इंटरव्यू सुनाते हैं प्रभारी मंत्री ने क्या कहा है। तो ये बाढ़ और सुखार और जिले में हो रहे विकास का समीक्षात्मक बैठक हम लोग की, जिला प्रशासन किस प्रकार से बाढ़ या सुखार अगर किसी परिस्थिति में आती है तो उसके लिए क्या तैयारी हुई है, तो उस पर हम लोग समीक्षा बैठक किए और जो तैयारी थी उसको गहनता से हम लोग बैठक में चर्चा किए और साथ ही साथ दरभंगा जिले के विकास से संबंधित जो योजनाएँ हैं वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच रही है या नहीं उस पर हम लोग समीक्षा की और निर्देश भी दिए कि जो छोटी छोटी योजनाएं हैं जिससे आम आवाम को बहुत सरोकार रहता है उन सब योजनाओं को अगर सब समय अगर आप लोग पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार की इससे छवि बनती है। तो इन सब चीज़ों पर सीधा निर्देश दिया गया कि आप लोग पूरा निष्ठा और ईमानदारी के साथ सरकार का जो लक्ष्य है, जो सरकार के विकास के कार्यक्रम है, उसको पूरा करने का काम कीजिए। बहुत जर्जर जैसा कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर भी निश्चित रूप से आर्ट गैलरी का निर्माण हुआ होगा और जहाँ तक कला विश्वविद्यालय की बात है तो कला विश्वविद्यालय
खोलने के लिए विभाग में चर्चा चल रही है और आगे चल के कला विश्वविद्यालय पर भी हम लोग काम करेंगे। अभी तो हम लोग खेल विश्वविद्यालय का स्थापना राजगीर में हम लोग कराने के लिए वहाँ पर भवन का निर्माण हो रहा है इसलिए। और जहाँ तक स्टेडियम की बात है तो इस जिले में हर प्रखंड में स्टेडियम बनना है इसके लिए लगभग 11 या 12 स्टेडियम आपका पूरा पूर्ण हो चुका है और जो 6 स्टेडियम नहीं बना है जिसकी स्वीकृति नहीं मिली है उसके लिए भी हम लोगों ने जिलाधिकारी को बोला है कि जल्द से जल्द जमीन चिन्हित करके भेजना।